स्वागत है हमारे चैनल लॉन्ग टर्म शेयर सल्टेस में। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीर जो है मैंने क्यों यहाँ पे लगा के रखी है। ये एक छोटी सी कहानी है जो मैंने आज पढ़ी एक समाचार में, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को अच्छी भी लगे और जिनको अच्छी ना लगे वो लोग सुन के इग्नोर कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे FMCG की। 5 कंपनियां हैं एक ही सेक्टर की, तो देखेंगे कि 2019 में किस प्रकार का उनका कामकाज कैसा रहा। बेसिक चीज़ें स्टॉक प्राइस एंड रिटर्न वाइज एक साल का, बाकी फंडामेंटल समय समय पे मैं रिव्यू देता रहता हूँ। और दूसरी चीज़, क्या हमें 2020 में, मतलब जो आज से साल शुरू हो चुका है, और फिर से मैं आप लोगों को हालांकि पहले बधाई दे चुका हूँ, फिर से पुनः मैं नए वर्ष में आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। खूब सारा फले फूले, खूब पैसे कमाएं। तो ये पहले मैं कहानी पढ़ देता हूँ और इस कहानी से हो सकता है कि हमें कुछ सीख मिले, शेयर मार्केट से रिलेटेड संबंधित कर सकते हैं। कहानी तो कहानी होती है, प्रेरणा हमें कहीं से मिल सकती है। तो ये फ़ोटो उसी कहानी का शीर्षक का जो है थंबनेल है, और यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है, 2 मिनट मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगी। रेलवे स्टेशन की एक घटना है। एक सज्जन बैठे हुए थे खिड़की के बिल्कुल पास में, और पास से कई सारे पकौड़े वाले, बिस्किट वाले और पानी वाले गुजर रहे थे, जैसा कि तमाम स्टेशन पे आप देखते होंगे। तभी वहाँ से एक लड़का गुजरा जो चिल्ला रहा था, पानी ले लो, पानी ले लो। खिड़की के पास में बैठे व्यक्ति ने पूछा, पानी की बोतल कितने में दोगे? इस पर लड़के ने कहा कि 10 रुपये की बोतल है साहब। जवाब देते हुए व्यक्ति ने कहा, 7 रुपये की बोतल देगा क्या? इस पर लड़के ने उस व्यक्ति की तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, अब नोटिस करिएगा, मुस्कुराया और वहाँ से पानी पानी चिल्लाते हुए वो चला गया। उसी ट्रेन के डिब्बे में सामने वाली खिड़की पर दूसरा आदमी इस पूरी घटना को देख रहा था। वो ये सब देख करके अवाक रह गया, शॉक्ड रह गया कि यार, उसके दिमाग में आया कि आखिर वो लड़का मुस्कुराया क्यों? जब कोई कम पैसे बोलता है तो उसे गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि सबको मालूम है कि पानी छोटी वाली बोतल 10 की मिलती है। इस पर वो उतर के भाग के गए और उस लड़के से पूछा कि तुम हंसे क्यों यार, तुम पहले बताओ कि तुम हंसे क्यों? इस पर लड़के ने सीधा सा जवाब दिया, उन सेठ जी को पानी पीना ही नहीं था। जिनको प्यास लगती है वो पहले मुझसे पानी मांगते हैं और फिर पूछते हैं कि कितना पैसा हुआ। ये पहले पैसे का मोल भाव कर रहे थे, यानी उनको पानी की ज़रूरत ही नहीं थी। अब अगर मैं उनसे बहस करूंगा कि तो पानी 10 का ही आता है तो मेरा टाइम ख़राब होगा, इससे अच्छा है कि 2 बोतल दूसरों को बेच दूंगा। लड़के की बात सुनकर वो बहुत ही प्रभावित हुए और वापस आकर वो बैठ गए। ज़िंदगी में हम बिल्कुल इस तरह के मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है। ये हो गया एक तरीके से, अब यहीं पर कहानी ख़त्म होती है। इंसान इधर उधर की बातों में उलझा रह जाता है, ये तो खैर दूसरी चीज़ें। तो यहीं पे कहानी समाप्त होती है। तो इसमें एक चीज़ समझ में जो आई, जो हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इस कहानी को अपने हिसाब से, अंदाज में आत्मसात करें, लेकिन ओवरऑल कई चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो हो सकता है कि जो वो लड़का था पानी बेचने वाला, एक तो जब उसका धंधा चल रहा होता तो एक तो टाइम की कमी होती है, तो वो मुस्कुरा के निकल गए। टाइम मैनेजमेंट हो सकता है कि भाई इतने समय में, जब सब मैं इनसे मोल भाव करूँगा या टाइम पास कर रहे हैं, मैं 2-4 और ग्राहकों को निपटा लूँगा। एक तो ये, दूसरा और भी बहुत सारे इसके मायने निकल सकते हैं। तीसरा, शेयर मार्केट में अगर हम देखते हैं कि उसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट का अगर हम ध्यान दें तो कभी कभी हम अच्छी कंपनियां, अगर हम लंबे समय के निवेशक हैं तो अच्छी कंपनियों के बारे में मोल भाव बहुत करते हैं, और एक टाइम के बाद वो जब भाग जाता है तो हम उसको नहीं ले पाते। मान लीजिए कि कोई कंपनी है वो 100 रुपये की है, और अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा बेयरिश भी हो। अगर हम बुलिंजर बैंड या फिर RSI वगैरह या जो भी अपना डेटा वगैरह, चार्ट वगैरह देख के हम निकालें कि भाई अभी थोड़े के नीचे लेवल पे और मिल सकता है, हो सकता है कि कंपनी नीचे ना आवे, और हम अगर लंबे समय के निवेशक हैं तो 10 रुपये महंगी सही है। अगर वो भाग गई, हाथ से निकल गई, तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे, फिर वो महंगा ही खरीदेंगे, वही चक्कर है। तो ये भी एक कहावत हो सकती है, कहानी हो सकती है। तो अपने हिसाब से हम थोड़ा सा अगर देखते हैं कंपनी अच्छी है, कमा के देने वाली है, सही प्राइस मिल रही है, थोड़ी सी महंगी मिल रही है, हालांकि FMCG कंपनियां थोड़ी सी महंगी ही होती हैं, तो उनमें हमें थोड़ा सा इतना संकोच नहीं करना चाहिए। जब हमें वाकई प्यास लगी होगी तो हम कुछ पाने के लिए
कुछ रुपए का मोल नहीं देखते। तो चलिए ये तो रही एक कहानी जैसा ऐसे मैंने शेयर कर दिया, लेकिन आइए हम पांच कंपनियां वो देखते हैं। पहले हम देख रहे हैं ITC को लेते हैं, FMCG की पांच कंपनियों में से एक। इसका प्राइस है 237 रुपये आज की तारीख में, यानी 1 जनवरी 2020। यस, और साल में जो लो गया था, लो के आसपास ही खड़ा है, 234 रुपये इसने करीब एक साल पहले बनाया था लो, और हाई गया था 310 रुपये। तो हाई से काफ़ी इसमें गिरावट है। देखा जाए तो एक वर्ष में यहाँ पे 15.71 यानी 71% के आसपास का जो है लॉस है, और 6 मंथ्स में करीब 13.66% का यहाँ पे लॉस है। मार्केट कैपिटल इसकी 2,92,000 करोड़ की रह गई है, 92,160 करोड़ की आज की तारीख में। 1 रुपये की फेस वैल्यू वाला है। पी रेशियो 20.73, EPS है 11.46, प्राइस टू बुक है 4.99। डिलीवरी इसकी बहुत ही शानदार है, 63.32% के आसपास लोगों को अभी भरोसा है, लोग इसमें काफ़ी अच्छी डिलीवरी लेके रखे हैं। और डिविडेंट यील्ड जो है 2.41, मतलब एक शानदार जो है डिविडेंट पे करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। FMCG बहुत बढ़िया कंपनी है। अब मुझे लगता है कि 2020 में जिस प्रकार से ओवरऑल देखा जाए तो 2019 था काफ़ी संघर्षों वाला रहा शेयर मार्केट के लिए, और जो अच्छी बात है गिरावट भी थी स्मॉल मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, लेकिन देखा जाए तो इसने इंडेक्स ने हमारे 2019 में ही ऑल टाइम हाई भी बनाया है, तो ये भी एक बहुत ही सुखद रहा। जनरल इलेक्शंस भी थे, तो बहुत सारी चीज़ें इस वर्ष हुई 2019 में, और आज इसी वजह से NBFC कंपनियां या ऑटो सेक्टर कंपनियां या बैंकिंग काफ़ी प्रभावित हुई इस 2019 में। तो मुझे लगा कि FMCG कुछ स्टॉक्स चुने जाएं जो 2020 में हो सकता है कि आप में से आपको इनमें से कुछ कंपनियां अच्छा मुनाफा बना के दें जो इस वर्ष नहीं दे पाए। तो ITC एक नंबर पे मैं तो कहूँगा कि भाई जो लोग हैं अगर आप चाहें अपनी स्टडी भी कीजिए, ITC बहुत बढ़िया कंपनी है और अभी अच्छे दामों पर मिल रही है, ठीक है। दूसरी कंपनी हम ले लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये भी FMCG की बढ़िया कंपनी है। इसने साल का लो बनाया था 1650 का और हाई 2190 है। आज का जो प्राइस चल रहा है 1936 रुपये, और करीब अगर रिटर्न वाइज देखते हैं तो बहुत ज़्यादा रिटर्न इसने पिछले वर्ष नहीं दिया है। एक वर्ष में 6.45% का यानी फिक्स डिपॉजिट वाला रिटर्न आपको मिल गया है, और 6 महीने में 8.81% के यहाँ पे पॉजिटिव में रिटर्न्स मिल गए हैं। पी रेशियो निकल के आ रहा है इसका 61.66 का है। अर्निंग पर शेयर है 31.19 का, और प्राइस टू बुक है 52.19। डिलीवरी इसकी 51% की, डिलीवरी काफ़ी अच्छी दिख रही है, और डिविडेंड अच्छा पे करता है, 1.14% का डिविडेंड यील्ड है इसका। मार्केट कैप है 4,16,293 करोड़ का, और फेस वैल्यू 1 रुपये की है। तो बढ़िया कंपनी हिंदुस्तान, काफ़ी अपने हाई से तो काफ़ी अभी नीचे है फिलहाल, और जो लो बनाया था 1650। तो जब भी आपको इस स्टॉक में लगे इस कंपनी में कि और भी नीचे के लेवल मिल रहा है, थोड़ी थोड़ी बाइंग करके आप अपने हिसाब से इसमें, क्योंकि बड़ा स्टॉक प्राइस है, तो आप अच्छी FMCG की बढ़िया कंपनियों को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, जैसे कि ITC हो गई, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गई। तीसरी हम ले रहे हैं मैरिको लिमिटेड है, जिसके आप पैराशूट वगैरह के जो तेल वगैरह आप घर घर में इस्तेमाल होते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं लाइफ स्टाइल से, ये कंपनी है FMCG की, और 345 रुपये का इसका प्राइस है आज की डेट में, और लो बनाया था 324 रुपये और हाई था 400 रुपये। तो अपने हाई से बहुत ही नीचे है देखा जाए तो FMCG की कंपनी, और एक साल में इसने करीब यहाँ पे देखा जाए तो 7.58% के नेगेटिव में रिटर्न है, और 6 मंथ में करीब 6.79% के जो है नेगेटिव में रिटर्न हैं। तो इसमें कोई एक साल में कोई अच्छा इसमें रिटर्न नहीं मिल पाया है, तो मुझे लगता है कि अभी आने वाला समय कंपनियों के लिए अच्छा रहेगा, और 2020 में अच्छी उम्मीद की जा सकती है। पी रेशियो 36.10 का, और अर्निंग पर शेयर है 9.47, प्राइस टू बुक है 12.61, डिलीवरी है इसकी 56.75%, और डिविडेंड यील्ड है 1.34, काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करते हैं। मार्केट कैपिटल है इसकी 44,000 करोड़ के आसपास, और 1 रुपये की फेस वैल्यू वाला स्टॉक है।
तो तीसरी कंपनी ये भी कंसिडर की जा सकती है। ऐसा नहीं कि आप सारी कंपनियों को ले लें, जो भी आपको इन FMCG कंपनियां मैं बता रहा हूँ उनमें से जो भी आपको अच्छी लगे प्राइस वाइज, या जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया 2019 में, कंपनियां सारी अच्छी हैं FMCG की जो मैं बता रहा हूँ, ये काफ़ी लार्ज कैप कंपनियाँ हैं। तो ये रहा मैरिको लिमिटेड। आइए हम कुछ ब्रिटानिया इंडस्ट्री को भी सम्मिलित कर लेते हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्री है 3,046 रुपये के भाव पे आज की तारीख में, और लो बनाया था 2300 और हाई गया था 3583। तो हाई से काफ़ी नीचे है लेकिन लो से काफ़ी ऊपर है इसमें। तो ब्रिटानिया एक शानदार कंपनी है, इसके ब्रेड बिस्किट्स वगैरह सब काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स आप लोग इस्तेमाल भी करते होंगे। एक वर्ष में इसने भी बहुत खास रिटर्न नहीं दिए हैं, जो आज के दिख रहे हैं 2.22% के नेगेटिव में है, और 6 मंथ में भले ही इसने जो है 11.5% के आसपास का जो है पॉजिटिव में रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। 72,808 करोड़ की मार्केट कैप है आज की तारीख में, और 1 रुपये की फेस वैल्यू वाला ये भी स्टॉक है। P रेशियो है 57.60 का और EPS है 52.56 का। प्राइस टू बुक है 20.25 और डिलीवरी इसकी जो है 38% के आसपास है, और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। ठीक है, तो ये रहा जो है ब्रिटानिया इंडस्ट्री। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी, अगर और नीचे की लिमिट मिलती है तो भी वेल एंड गुड, और अगर चाहें तो लंबे समय के निवेशक इन कंपनियों में जो भी पसंद हो आपको, जैसा कि मैंने बताया, उनमें आप अपने रुचि के अनुसार, अपने सूझबूझ के अनुसार FMCG कंपनी अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक उसमें हम ले रहे हैं डाबर इंडिया लिमिटेड का है, इसका है 459 रुपये, करीब 460 के आसपास मान लीजिए इसका स्टॉक प्राइस, और 52 वीक लो बनाया था 357 रुपये और हाई बनाया था 487, तो हाई के करीब ही है अगर देखा जाए तो। एक वर्ष में इन्होंने FD फिक्स डिपॉजिट वाला रेट दिया, रिटर्न दिया है 6.78%, और 6 मंथ में करीब बढ़िया रिटर्न मिले हैं इसमें अगर देखा जाए तो, 14.5% के आसपास के रिटर्न इसमें पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मार्केट कैपिटल 81,000 करोड़ के आसपास, और फेस वैल्यू इसकी भी 1 रुपये की है, और P रेशियो इसका 50.63 का है, अर्निंग पर शेयर है 9.05, और प्राइस टू बुक है 13.21, डिलीवरी इसकी 40% के आसपास है, और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। तो ये रहे 5 जो है FMCG के जो है अच्छे अच्छे दिग्गज कंपनियां, जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में, सारे नहीं पूरा, कभी भी जैसा कि मैं कहता हूं कि किसी एक सेक्टर या किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में पूरा पैसा कभी ना लगाएं। तो 2020 में हो सकता है कि इन कंपनियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन तो FMCG का नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में ये कंपनी आपको अच्छा बना के नहीं देंगी। अगर गिरावट पे कोई कंपनी, दिग्गज कंपनी मिल रही है, हालांकि FMCG में बहुत सारी और भी कंपनियां हैं, वो समय समय पे मैं बताऊंगा उनके बारे में, लेकिन फ़िलहाल मुझे इन कंपनियों में थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्शन लगा, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष जो है रख रहा हूं। और समय समय पर बैंकिंग के भी, आप केमिकल के भी, इन सब के स्टॉक के बाद 2020 के लिए मैं अलग अलग कई स्टॉक्स लाऊंगा जो बेहतरीन कंपनियां होंगी अपने अपने सेक्टर्स में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये रहे आज के जो है स्टॉक, और मैं यहीं पे वीडियो अपना समाप्त करना चाहूँ, क्योंकि मुझे डर है कि काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है। और कैसी लगी आपको कहानी, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, लाइक शेयर और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं, और अगर आपने बेल आइकन प्रेस करना भूल गए हैं तो भी कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।